नमस्कार सर, मेरा नाम जयप्रीत सिंह शाहपुरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय तेहरान एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं तेहरान ईरान से बोल रहा हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में ज़्यादा मन लगता है, तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते? क्लास में दो तीन बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती, तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? धन्यवाद। माननीय, कृपया इस बारे में बताएं, हम सब उत्सुक हैं। क्या उनका सवाल क्या था, पूरा समझ, क्या सवाल था उनका? बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल में उनको तारीफ मिलती है और कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। मैं पूरा सवाल उनका समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन शायद वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल में या घर में कुछ बच्चों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है लेकिन कुछ को नहीं मिलता है, यही था ना? एक तो ये सब हमको क्यों नजर आता है, इस बात पर हमारा ध्यान क्यों जाता है? इसका कारण ये है कि हम ओवर कॉन्शियस है और भीतर से हम वीक है। जब तक कोई पुचकारता नहीं, सहलाता नहीं, तब तक मुझे मेरे किए हुए का आनंद आता नहीं है। जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है वो तालियों की गूंज कितनी बजी कितनी नहीं बजी इसकी परवाह नहीं करता है जी। उसको विश्वास होता है। और मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये बाकी चीजों के उपरांत आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सलाह यानी कोई हमें सराहे या न सराहे, कोई पुचकारे या न पुचकारे, हमारे लिए कोई अच्छा करे या न करे, लेकिन मैं खुद एक स्थिति ऐसा पैदा करूंगा कि कभी न कभी मेरे टीचर को मुझे नोटिस करना पड़ेगा। उनको चैलेंज नहीं करना है, मन में रखना है मैं उनको जीत के रहूंगा। और एक बार आपने उनको जीतना तय कर लिया तो आप देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत लेगा। एक और विषय भी बीच में एक सवाल आया था, मेरे मन में विचार आया। देखिए कभी कभार क्या होता है, टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रुचि लेता है जब टीचर को लगता है कि उसके परिवार जन बच्चे में इंटरेस्टेड है। ऐसे बहुत माँ बाप होंगे जिन्होंने बच्चे को 7वीं से 10वीं या 12वीं तक कौन टीचर पढ़ा रहा है पता ही नहीं होगा। क्या कभी बच्चे के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ माँ बाप ने टीचर को बुलाया क्या? क्या माँ बाप कभी स्कूल में जाकर के किसी टीचर का जन्मदिन है बच्चे ने कहा कि देखिए आज मेरे टीचर का जन्मदिन है, माँ बाप स्कूल चले गए बच्चे के टीचर के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा देखिए मैं तो घर में बच्चा मेरे पास तो 3-4 घंटे रहता है, 5-6 घंटे आपके पास रहता है, अब उसकी तो जिंदगी आपके हाथ में है, आपके मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। वो टीचर का मन क्या करेगा बताइए? उसको लगेगा कि भाई ये बच्चा तो उन्होंने मुझे सौंप दिया है, मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन अभिभावक का ये रोल ही नहीं रहा है। टीचर को न कोई अपने घर बुलाता है न माँ बाप, फिर हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। माँ बाप सच क्या झूठ का, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई मुसीबत की बीमारी रो रहा है क्या है, बहानेबाजी कर रहा है कुछ नहीं, क्या समझते हो मैं RTI करूंगा, मैं FIR लिखवाऊंगा।
बहुत माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे में कोई कमी महसूस नहीं करते, कभी नहीं करते, और उसके कारण अपना तो शायद युग को समझ जाता होगा लेकिन बच्चे की जिंदगी में समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा है टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इन चतुष्क का एक मेल होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। वो अपने अपने तरीके से चारों कोने में अलग काम करेंगे, नहीं होगा। ये व्यवस्था सहज रूप से विकसित हो सकती है और उसका परिणाम भी मिलता है। और मैं मानता हूं कि हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जिन शिक्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रति पूरे परिवार का एक आदर भाव पैदा हो। वो टीचर के पास जितना भी ज्ञान है ना, वो आपके लिए वो निचोड़ देगा, आप देखना, स्पेशल अटेंशन करेगा।